नमस्कार, बस्ती बस्ती नगरी नगरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। भारत में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते कदम से सरकार काफी सतर्क हो चुकी है, इसीलिए युवाओं को बरगलाने के इस नेटवर्क से निपटने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ आसिफ इब्राहिम को प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक अहम पद पर नियुक्त किया गया है। इब्राहिम दिसंबर 2014 में रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के लिए पीएम का विशेष दूत नियुक्त किया जाएगा, जो पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया की सरकारों से संबंध स्थापित करने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने का विरोध तेज हो गया है। शिया महिलाओं ने छोटे इमामबाड़े पर ताला लगा दिया है और धमकी दी है कि बड़े इमामबाड़े पर भी ताला लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ वसीम रिजवी को चेयरमैन बनाने के विरोध में कई दिन से भूख हड़ताल भी जारी है। तो लखनऊ में वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने का विरोध तेज हो गया है और काफी दिनों से भूख हड़ताल जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जी संगम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। शिया महिलाओं ने छोटे इमामबाड़े पर ताला लगा दिया है और धमकी दी है कि बड़े इमामबाड़े पर भी ताला लगा दिया जाएगा। 8 दिन हो गए सर, आज तक कोई डिमांड्स पूछने नहीं आया। शुक्र है कि ताला डालने के बाद लोगों को हमारी याद आई है कि हम ताला डाले हैं तो क्यों डाले हैं। 8 दिन पहले से हमने अपनी डिमांड्स रखी हुई है, इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखी थी, इलेक्शन होने से भी पहले, कि वसीम रिजवी, जिसको सीबीसीआईडी की जांच के द्वारा दोषी पाया गया है, इस व्यक्ति को हमारे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन न बनने दिया जाए। प्रशासनिक रूप से, अदालती रूप से वो सीबीसीआईडी का दोषी पाया गया है, हमने तो उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया नहीं है। खुद सीबीसीआईडी बता रही है, उसकी जांच में पता चला है कि इसने 700 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के विदेश दौरे का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई भी देश में निवेश के लिए विदेश जाता है तो इसमें गलत क्या है। अखिलेश ने उदाहरण देते हुए कहा है कि मैं भी निवेश आमंत्रित करने विदेश जाता हूं। उन्होंने कहा है कि निवेश से ही देश तरक्की करेगा। फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अखिलेश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी सरकार किसानों की हितैषी है और मुसीबत के वक्त किसान के साथ खड़ी रही। इस मौके पर उन्होंने किशनपुर में यमुना नदी पर नया पुल बनाने की बात कही। लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहे हैं, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री दुनिया में जा रहे हैं और देशों में भी जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने देश में कैसे आए, इस बात की दुनिया में हर देश कोशिश कर रहा है, जिस जो चाहता है अपने देश और तरक्की की खुशहाली के लिए। हम प्रदेश के स्तर पे भी, अगर देश के स्तर पे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं तो प्रदेश स्तरों पे भी हर प्रदेश इस कोशिश में लगा है कि उसके प्रदेश में कैसे खुशहाली आए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में नामी दुकानों, 5-स्टार होटल, स्कूल और अस्पताल से लिए गए पानी के 19 सैंपल फेल हो गए हैं। पानी के सैंपल 9 स्कूल, 6 होटल और 4 अस्पतालों से लिए गए थे, जिनके सैंपल फेल हुए हैं और उनमें बीकानेर वाले का नाम भी शामिल है। प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी किया है और प्रशासन के मुताबिक यहां पानी में टीडीएस की मात्रा मानक से काफी ज्यादा पाई गई। हॉस्पिटल्स में भी जांच की गई थी और हम लोगों का कार्य होता है ये जांच करके इसकी रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को मिली। उनकी ओर से नोटिस दिया जाता है क्योंकि फूड एंड ड्रग स्वास्थ्य विभाग के अंडर में नहीं है और कार्रवाई का प्रोविजन भी या तो सिटी मजिस्ट्रेट अपने स्तर से करें या पॉल्यूशन बोर्ड से। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव में हुई मौतों से आबकारी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। आबकारी विभाग ने विवादित आबकारी अधिकारी को नियुक्ति दी और डीएम ने आबकारी अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल भी उठाए थे और इसके बावजूद भी विवादित अधिकारी की नियुक्ति की गई। इधर प्रदेश के आबकारी आयुक्त का पद खाली पड़ा है और प्रमुख सचिव किसान सिंह अतोरिया ही आबकारी आयुक्त का काम देख रहे हैं। तो उन्नाव में हुई मौतों से आबकारी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। आबकारी विभाग ने
विवादित आबकारी अधिकारी को नियुक्ति दी है और डीएम ने आबकारी अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल भी उठाए थे, उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति कर दी गई। इधर प्रदेश के आबकारी आयुक्त का पद खाली पड़ा है और प्रमुख सचिव किसान सिंह ही आबकारी आयुक्त का काम देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि उन्नाव में यह ताजा मामला सामने आया है जहां एक ही मोहल्ले के 6 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद आशंका यह जाहिर की जा रही है कि कच्ची शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी खबर पर औचित्य बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश विद्यार्थी। अवनीश, जिस तरीके का मामला उन्नाव में सामने आया है उसको देखकर लगता नहीं है कि इससे आबकारी विभाग ने कोई सबक लिया है? बिल्कुल नहीं लिया है, और यही वजह है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले लखनऊ और उन्नाव में ही 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, तमाम बड़ी घटना होने के बाद अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन कोई सबक नहीं मिला शायद अधिकारियों को। एक बार फिर उन्नाव में दागी अधिकारी की तैनाती कर दी गई, जिसको लेकर के खुद वहां के जिला अधिकारी ने भी आपत्ति जताई थी और उसका नतीजा सामने आया, घटना हुई और जहरीली शराब से फिर लोगों की मौत हुई। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक हिस्से में नहीं दिखाई पड़ रही, हर जिले की यही कहानी है। हर जिले में इसी तरीके से जहरीली शराब का उद्योग जो है वो लगातार पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में आबकारी विभाग में आयुक्त का पद पिछले 6 महीने से खाली है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो बताती है कि उत्तर प्रदेश का आबकारी महकमा किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और किस तरीके से लोगों की जान जो है वो लगातार जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उन्नाव में 6 लोगों की मौत के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। सिविल लाइंस के चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि शहर कोतवाल सतीश गौतम को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि यहां एक ही मोहल्ले में 6 लोगों की मौत हो गई थी और मामला उन्नाव कोतवाली नगर क्षेत्र के लोकनगर का है और आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। उधर डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। परिजनों के मुताबिक इलाके में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार होता है और कच्ची शराब पीने से मौतें हुई हैं। हमारे अंकल थे, सुबह सही थे और फिर दोपहर में गए पीने शराब पीकर आए, उतने समय बस पेट पेट चिल्लाने लगे। हम लोग जिला अस्पताल लेके वहां से रिफर किया, घर जा रहे थे लेकर रस्ते में एक्सपायर हो गए। तो 3-4 लोग कैसे हुए ये कुछ? अरे सर, ये शराब बहुत चल रही, इस समय इतनी शराब चल रही, इतनी अचानक उधर 2 लोग खत्म हो, उसके बाद हमारे अंकल खत्म हो गए। चंदौली में 6 लाख की हेरोइन के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने काली महाल इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हेरोइन के छोटे छोटे 180 पैकेट्स बरामद किए गए हैं। आरोपी बिहार से हेरोइन लाकर मुगलसराय में सप्लाई करते थे और पूछताछ में आरोपियों ने गिरोह के अन्य बदमाशों के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और दूसरे बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रहे थे कि काली महाल कस्बे में कुछ लोग हीरोइन बेचने का काम करते हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मुगलसराय द्वारा एक टीम लगाई गई थी। आज 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ लोग वहां हैं जो पुड़िया में हीरोइन लेकर बेच रहे हैं। इस सूचना पर टीम ने तत्काल दबिश देकर 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 180 पुड़िया हीरोइन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे एक बार फिर से दर्दनाक हादसे का गवाह बना और नोझिल थाना क्षेत्र में टप्पल के पास कार डिवाइडर से टकरा गई और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा वृंदावन से दिल्ली आते वक्त हुआ और हादसे का शिकार हुए सभी लोग बिहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। घायलों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब 11:45 के बीच में हमारे पास करीब 7 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 5 प्रोटेड हैं और 2 पेशेंट सीरियस हैं। बहुत दोनों के दोनों आईसीयू में, एक हिमाची है 33 साल का और एक दीपांशु है 14 साल, उनका इलाज चल रहा है और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मुंबई के अरुणा शानबाग मामले का आरोपी सोहनलाल वाल्मीकि अपने गांव से संदिग्ध हालत में लापता हो गया है और हापुड़ के पारपा गांव में सोहनलाल की अचानक गुमशुदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं सोहनलाल के बेटे ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।
ललितपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम को किसानों ने बंधक बना लिया। दरअसल किसान मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज थे और जब एसडीएम वहां पहुंचे तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। और इसी खबर पर अजीत बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के दौरान वहां पर एसडीएम को बंधक बनाने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपसे? बिल्कुल दिव्या, यहाँ जो किसानों द्वारा ये भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम था, एक महापंचायत का आयोजन था जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये सारे किसान धरना कर रहे थे, वहाँ महापंचायत कर रहे थे। तभी यहाँ एसडीएम रत्नाकर मित्र पहुंचे जिन्होंने किसानों की जो मांगे थी उसके बारे में बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जो मुआवजा है हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, लगातार 3 साल से उनके ऊपर देवी आपदा आ रही है, किसान परेशान है और मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो इस पर जब एसडीएम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने बताया था एसडीएम को बंधक बना लिया और किसी बड़े अधिकारी के आने तक उसको बंधक बनाए रखने की बात कही कि हमारे जब तक मुआवजे की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम इनको बंधक बनाए रहेंगे। फिलहाल अभी मौके पर एसडीएम सदर पूनम निगम सहित अन्य पुलिस बल पहुंची है और किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायबरेली के कोशा गांव में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। लूट के इरादे से बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी जिसके बाद उसकी मौत हो गई और पुलिस अब मौके पर मौजूद है। कन्नौज के जिला अस्पताल का प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने औचक दौरा किया और अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर नाराज हुए। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया और मरीजों से मिलकर उनकी समस्याएं पूछी। निरीक्षण के बाद प्रमुख सचिव ने कहा कि उन्हें कन्नौज के विकास कार्यों के निरीक्षण का काम सौंपा गया है, जिला अस्पताल में कुछ कमियां रह गई हैं और अधिकारियों से बात कर उन्हें सुधार लिया जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल समीक्षा बैठक सारे अधिकारियों की हुई थी, जितने भी विकास कार्यक्रम हैं उनके संबंध में, उसके पश्चात कुछ बड़े कार्यक्रमों का निरीक्षण किया था। अब काम करते हैं तो उसमें खामियां भी होती हैं और उसका कैसे व्यवस्थात्मक सुधार किया जाए और कैसे बेहतर किया जा सके इस पर हम निरंतर अपने अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और विमर्श कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं यथावश्यक। बात करेंगे अब कौशाम्बी की। कौशाम्बी में हुए रेल हादसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। समर बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है और इस याचिका में रेल हादसे के लिए जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए नियमावली बनाने की मांग की गई है। अभी रेलवे नियमावली में इसका कोई जिक्र नहीं है। साथ ही रेल के पटरी से उतरने के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्घटना मुक्त वैगन और ब्रेक प्रणाली के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की भी मांग की गई है। याचिका में सिराथू स्टेशन के पीडब्ल्यूआई अनिल यादव पर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है और आरोप है कि अनिल यादव ने मौके का निरीक्षण किए बिना ही ट्रैक क्लियरेंस रिपोर्ट दी थी। आगरा नगर निगम पर इन दिनों शहर की हवा में जहर घोलने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल नगर निगम के कूड़ा घरों में इन दिनों आग लगा दी जा रही है जिससे बहुत तेजी से जहरीला धुआं पूरे शहर में फैल रहा है और हवा को प्रदूषित कर रहा है और ये हाल तब है जब ताज नगरी में किसी भी तरह का धुआं करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अब नगर निगम ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और शहर में जगह जगह नगर निगम के कूड़ा घर रखे हैं जिसमें लोग सुबह कूड़ा डालते हैं और दोपहर में इनमें आग लगा दी जाती है। फिर दिन भर काला धुआं शहर की हवा में घुलता रहता है और वहीं जब मसले पर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उनके जवाब और भी हैरान कर देने वाले थे। प्रदूषण इंजीनियर के मुताबिक कूड़े में बाहरी लोग आग लगाते हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि बाहरी लोग आग क्यों लगाएंगे और दूसरी जगह से आकर पूरे शहर में आग लगाते क्यों घूमेंगे और क्यों नगर निगम आग को बुझाता नहीं। और अब बात करेंगे खबर के असर की। बुलंदशहर में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहां पुलिस ने साहूकार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि साहूकार की धमकियों से परेशान एक आड़त कारोबारी ने परिवार सहित जहर खा लिया था और कारोबारी अरुण तायल की मौत हो गई और उसकी पत्नी और दो बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें निजी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। मामला खुर्जा सिटी के ककराला इलाके का है। अरुण ने खुर्जा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दीपक सोलंकी और उनके भाई से 2 साल पहले 17 लाख का कर्ज लिया था और कुछ पैसे उसने वापस भी कर दिए थे। बुधवार शाम दीपक सोलंकी ने अरुण के घर आकर उसकी बेइज्जती की और पैसा वापस नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद पूरे परिवार ने रात में जहर खा लिया।
अरुण की रात में ही मौत हो गई जबकि पत्नी और बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वाराणसी पहुंचे योगेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने बार बार कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये वाजिब मुद्दा है, लेकिन एक सही बात को गलत तरीके से उठाया जा रहा है। इस वजह से पिछले एक महीने में फायदे की जगह नुकसान हुआ है। ने बार बार कहा है कि ये एक वाजिब मुद्दा है, लेकिन जिसको नासमझी से हैंडल किया जा रहा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज का कानून इसकी इजाजत नहीं देता और राजनीतिक नेतृत्व के लिए ये समझदारी का सवाल है कि वो किस तरह से आज की स्थिति में वहां तक पहुंचे। अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफे की मांग की है। उनके मुताबिक आपदा घोटाले के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा राहत कार्यों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सरकार के दबाव में वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकेंगे। उधर नेता विपक्ष अजय भट्ट ने भी आपदा घोटाले में सीबीआई जांच की मांग उठाई और कहा कि बीजेपी सीबीआई जांच से कम में नहीं मानेगी।